इसमें यूजुअली ये होता है कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं ट्रेन में और आपको इनको लेके जाना है पैसा, ज्यादा भीड़ नहीं है रतलाम स्टेशन पर, 10 मिनट। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, अगर आप अपने पेट को इंडियन रेलवे द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान भेजना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, जनरली लोग पेट को अपने गाड़ी से ही ले जाना पसंद करते हैं, पर क्या आप जानते हैं आप अपने पेट को इंडियन रेलवे में भी ले जा सकते हैं? आइए देखते हैं इस वीडियो में आगे की कैसे आप अपने पेट को इंडियन रेलवे में ले जा सकते हैं। दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने पेट को छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहते हैं, तो हमें भी अपनी दिल्ली से मड़गांव राजधानी एक्सप्रेस में मिले ऐसे ही एक मेहमान जो जा रहे थे घूमने गोवा अपने पेट के साथ। तो वहाँ मैं पहुँच गई उनके कैबिन में उनसे कुछ पेट के बारे में जानकारी लेने। सर, आप ये पेट्स लेके जा रहे हैं, इनके बारे में कुछ बताएंगे मेरे को कि आप इनको कैसे लेके जाते हैं? इसका प्रोसीजर जानना। बहुत सिंपल प्रोसेस है वैसे तो इसका। मतलब इसमें यूजुअली ये होता है कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं ट्रेन में और आपको इनको लेके जाना है पैसा, तो दो चीजें होती है। अच्छा। या तो आपको केबिन पूरा बुक करना रहेगा। अच्छा। और अगर केबिन नहीं है तो आपको बुक करना पड़ेगा। अच्छा। तो केबिन में तो 4 सीट्स हो गई। हाँ। और कूपे में 2 सीट्स होती है, या तो ये 2 ऑप्शन था। अच्छा। और सीट्स कन्फर्म होनी चाहिए। हाँ। मतलब अगर आपकी टिकट्स कन्फर्म है तो टिकट्स कन्फर्म होने के बाद में सीट नंबर आपको एलोकेट नहीं होगा। सीट नंबर एलोकेट होगा आपको चार्ज प्रिपेयर होने के बाद, क्योंकि ट्रेन टाइम से 4 घंटे पहले होगा। अच्छा। 4 घंटे पहले जब भी आपकी सीट एलोकेट हो जाएंगी। हाँ। सीट एलोकेशन के बाद में आपको पार्सल ऑफिस जाना है। अच्छा। जो भी आपका सोर्स स्टेशन। हाँ। सोर्स स्टेशन जैसे इस केस में हमारा निजामुद्दीन था। हाँ। तो निजामुद्दीन के सोर्स स्टेशन पे जाने के बाद। अच्छा। वहाँ के पार्सल ऑफिस में जाना है। अच्छा। पार्सल ऑफिस में आपको हार्डली 5 to 10 मिनट का काम है। अच्छा। इनके सारे डॉक्यूमेंट्स, आपकी टिकट, इनका सारा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। अच्छा। वो डिपॉजिट करना रहेगा। अच्छा। और वो लोग आपको टिकट इशू करेंगे। अच्छा। सर, फिर इनका टिकट वही नॉर्मल रहता है कि अलग से रहता है? इनका बेसिकली, अगर अब उसमें भी दो चीजें होती हैं, अगर आप जैसे केबिन में लेके जा रहे हैं। हाँ। अब जैसे ये केबिन है। हाँ। 4 सीट्स का केबिन है। हाँ। तो इसमें इनका इंडियन रेलवे का फ्लैट रेट है 60 kg के हिसाब से बुक करते हैं, चाहे वो कितने भी केजी का डॉग हो। जैसे ये 15 kg है, ये 35 kg है। फ्लैट इनका चार्ज 60 kg का लगेगा अगर आप केबिन में ट्रैवल कर रहे हैं। अच्छा। तो कुछ अराउंड 1000 कुछ रुपए है। अच्छा। 1000 बारह रुपए है। अच्छा। मतलब 1092। अच्छा। दोनों का हमने कुछ पे किया था 2142। अच्छा। इन दोनों का पे किया था। अच्छा। तो वो हार्डली 10 मिनट का प्रोसेस था। वो उन्होंने रिसिप्ट हमें दी और वो रिसिप्ट कटाने के बाद में यहाँ पे टीटी आता है, वो चेक करता है रिसिप्ट। तो फिर इनका रूटीन कैसे कराते हो ट्रेन में? उसमें फिर हमें ये ट्रैक रखना पड़ता है कि ट्रेन कहाँ पर रुकने वाली है, कितने बजे रुकने वाली है। अच्छा। तो हम उसी समय फिर हम इनका सारा टायर कर लेते हैं भाई। अच्छा। सो बेसिकली सुबह से अभी लेकर आ गए। तो सुबह से जैसे भी इसका एक वो था टाइम, रतलाम से पहले कोटा में रुकी थी, कोटा में 10 मिनट का था। तो 10 मिनट के लिए लोग उतरे नीचे। अच्छा। वहाँ पर इन्होंने तो उन्होंने अपना पीप भी करा, पूप भी करा, सब कुछ करा। अच्छा। और खाने पीने का? इनका खाने का हम अपने साथ में इनका पूरा लेकर के आए हैं, डॉग फूड जो होता है। और यहाँ पर यहाँ का स्टाफ भी काफ़ी हेल्पफुल है, तो उन सब ने जैसे इनके लिए दही मांगा। अच्छा। चावल मांगा तो उन्होंने दे दिया। और अब हमने उनको बोला था कि शाम को एग्स दे देंगे, तो वो कह रहे हैं कि हम शाम को बॉइल्ड एग। और बाकी इनका जो फूड है वो हम साथ में कह रहे हैं। नहीं करेंगे अभी, सुबह से जैसे बाहर घूम रहे हैं तो इन्होंने कुछ नहीं किया। आधा तो वही कि हम, ये बेसिकली हमारा जोन है, हमें यहाँ पर रहना है, तो हम इसको गंदा नहीं करते। तो ये फिर वेट करते हैं। अब जैसे घर में भी यही चीज होती है कि घर में वेट करेंगे बाहर जाने का,
तो सेम प्रोसेस यहाँ पर होता है कि बाहर जाने का वेट करते हैं और उसके बाद में फिर बाहर जाके करते हैं। और सर ये फर्स्ट क्लास में ट्रेवल कर सकते हैं या फिर और क्लास में भी इसको ले जा सकते हैं? नहीं नहीं, ये सिर्फ या तो फर्स्ट क्लास में या फिर लगेज कंपार्टमेंट। अच्छा, लगेज कंपार्टमेंट में अगर जा रहे हैं तो वहाँ पर उसमें इनका जैसे केबिन में इनका 60 kg का चार्ज होता है, तो लगेज कंपार्टमेंट में अगर आप इनको भेजेंगे तो वहाँ पर इनका 30 kg के अलावा चार्ज होता है। तो यही दो ऑप्शन थे मतलब इंडियन रेलवे में ट्रैवल। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। ये देखिए दोस्तों, हम रतलाम पहुंच चुके हैं। रतलाम स्टेशन में ट्रेन रुकी है। दोनों पेट्स ये फर्स्ट क्लास के डिब्बे में दोनों पेट्स भी घूम रहे हैं। ये देखिए अभी इनको रूटीन करने के लिए बाहर लेके आए हैं। ज़्यादा भीड़ नहीं है रतलाम स्टेशन पर, 10 मिनट यहाँ पर ट्रेन रुकेगी, उसके बाद आगे बढ़ेगी। तो अब इसके बाद नेक्स्ट स्टॉप इसका बड़ोदरा में रहेगा। ये देखिए दोस्तों, सिम्बा अपने रूटीन करके वापस ट्रेन में आ गए हैं। तो अगर आप ही अपने फ्रेंड्स को ट्रेन में लेके जाना चाहते हैं, इनका कोई ज्यादा टिकट नहीं है, इनको या तो फर्स्ट क्लास में ले जा सकते हैं या फिर लगेज में। लगेज में और फर्स्ट क्लास में बहुत नॉमिनल था इनका फीस है। हाँ, ज्यादा टिकट नहीं है इनका। और इनका रूटीन जहाँ स्टेशन में आप उतरेंगे वहाँ करा सकते हैं। खाने पीने का इनका बंदोबस्त अपने आप लेके जाना पड़ता है और व्यवस्था यहाँ भी ट्रेन में भी हो जाती है। दोस्तों, इंडियन रेलवे की सुविधा से इतना तो तय है कि जो लोग अपने पेट के बिना नहीं रह सकते और कहीं लंबी वेकेशन पर जाते हैं तो वो अपने पेट को अपने साथ लेकर जा सकते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली होगी। अपनी इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए सबको मेरा नमस्कार और जय उत्तराखंड।